नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में दिन भर की 10 खबरें देखेंगे जो स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने किया है। एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया इकाई के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार को कंपनी की ऑडिट समिति और जोखिम समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई योजना मेरा काम मेरा मान को मंजूरी दी। इस योजना में पंजाब के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत निशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों को लक्ष्य प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखा गया है। ओडिशा के न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की। इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता। अब 2 नए पदकों के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका अब 10 तक पहुंच गई है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दोरजी अंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने आखिरी बार फरवरी 2020 में T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। वह इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते थे। भारतीय नौसेना का जहाज INS ताबर जून 2021 से सितंबर 2021 तक अफ्रीका और यूरोप में बंदरगाहों की संख्या की सद्भावना यात्रा पर है। इस यात्रा दौरान INS ताबर ने अल्जीरियाई नौसेना के साथ भूमध्य सागर में ताबड़तोड़ अभ्यास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक कर लें, उसके बाद ऊपर वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।